रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, बात करते हैं आज कार्तिक मास के 15वें अध्याय की। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का कपिल करें 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, यह दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी ने बताया कि उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुला करके कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां जाओ और वहां पर एक जटाधारी शंभू नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भाविनी को अर्थात पत्नी को मेरे पास में मांग कर ले आओ। वह दूत यह सुनकर के शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे अपनी आज्ञा ले सब संदेह कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणि ने आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु वह पुरुष ने राहु को पकड़ लिया और फिर उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी, तो शिव ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं, मैं क्या करूं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर के उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी पूजा होगी और जो तेरी पूजा नहीं करेगा वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव से ऐसा वर प्राप्त करके वह पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह दिन से वह शिव द्वारा शिवकृत मुख नाम का एक गण हुआ और स्थिर हुआ। तो इस तरह से हमने आपको भगवान के कार्तिक महात्म्य की कथा को सुनाया है। आगे की कथा कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगा।